हे गाइस, दिस इज श्रेयस। स्वागत है आपका मेरे चैनल रसोई मसाला में। दोस्तों, आज हम लोग बिल्कुल हलवाई जैसा पनीर घर पर ही बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही इजी है बनाना और साथ ही साथ ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। मतलब इतना टेस्टी पनीर बनता है और साथ में सोचो हेल्दी तो है, क्योंकि घर पर बना रहे हैं तो कोई मिलावट नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये पनीर हम लोग यार कैसे बनाएंगे। पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो बगल में बेल आइकन आता है ना, हाँ, उसको जरूर दबाइएगा। उससे क्या आपको तुरंत पता चल जाएगा कि चलो अभी वीडियो आ गई है। तो पनीर बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 लीटर दूध लिया है। दोस्तों ध्यान रखिए कि हमें फुल क्रीम दूध चाहिए, तो इसलिए फुल क्रीम दूध लें। अब इसको हम लोग भवानी में डाल के पका लेंगे। एक चीज का और ध्यान रखें कि दूध जो हमारा पक चुका है या फिर जिसकी हम लोग मलाई निकाल चुके हैं वो वाला मत लीजिएगा, बिल्कुल फ्रेश दूध लीजिएगा पनीर बनाने के लिए। अब इसे हमें उबाल आने तक पका लेना है। और जब तक हमारा यार दूध पक रहा है, तब तक दूध को फाड़ने के लिए एक चीज तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में अलग से 1 लीटर हम लोग इसमें पानी डालेंगे। और फिर पानी में जैसे हमने 2 लीटर दूध लिया है तो 3 टेबलस्पून विनेगर डालें। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर हमने 2 लीटर दूध लिया है तो 3 टेबलस्पून विनेगर, ये रेशियो रहेगा 2:3 का। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप पनीर बनाने जाए। विनेगर नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिट्रिक एसिड का भी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दूध में उबाल आ चुका है और फिर हम लोग फ्लेम को देंगे। जैसे दूध में उबाल आता है फ्लेम बंद करें ताकि दूध ठंडा होना चालू हो जाए। और जैसे जैसे दूध ठंडा हो रहा है उसी के साथ साथ हमने जो ये विनेगर का पानी तैयार किया है इसको दूध में मिलाते जाएंगे। तो ये देखिए, इस टाइप से हल्का सा विनेगर वाला पानी दूध मिलाए और करछी से हल्के हाथ से दूध को चलाते जाए, जिससे क्या दूध का टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है और दूध हमारा फटता जाएगा। तो इस टाइप से हल्के हाथ से चलाना, ध्यान रखिएगा हल्के हाथ से दूध को चलाए और विनेगर वाला पानी भी इसमें ऐड करते रहें। तो बहुत ही बढ़िया दूध फटेगा और बहुत अच्छा पनीर निकलेगा। तो इस टाइप से हमें दूध को फाड़ना है। ये देखिए, हमारा दूध फटना शुरू हो गया है। अब इसको हम लोग थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से हमारा जो पनीर है वो निकल आए। और बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने चलाया, क्योंकि अगर तेज तेज चलाएंगे तो पनीर हमारा वो टूटता जाएगा, वो बिल्कुल ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, इसलिए हल्के हाथ से चलाया है। पनीर हमारा फट चुका है। अब अलग से इस टाइप से ये मसलिन क्लॉथ ले, या फिर जिसको मलमल का कपड़ा बोलते हैं ना, ये कपड़ा ले। इसमें हम लोग पनीर को छानेंगे। इस टाइप से कपड़े को एक बोल में रखें। फिर हमारा जो हमने पनीर फाड़ा है उसको इस मलमल के कपड़े में डालेंगे। इस टाइप से पूरे भवानी का पानी पनीर के साथ इसमें ट्रांसफर कर दें, तो जो पूरा पानी है वो निकल जाएगा और पनीर पनीर कपड़े में रह जाएगा। तो ये इस टाइप से हमने पनीर को कपड़े में लिया है। कपड़े टाइप से इकट्ठा करें, इस टाइप से फोल्ड करें और पनीर को निकाल लें। अब थोड़ा सा यार पनीर को शेप के लिए उसको इस टाइप से थोड़ा थोड़ा सा वापस से गर्म पानी में डाल के और फिर ऊपर करें, ताकि पनीर यार गोल शेप ले ले और कपड़े में साइड्स में चिपके नहीं। जब हम आखिरी में पनीर निकालेंगे ना, तब आप देखेंगे कि बिल्कुल पनीर कपड़े में नहीं चिपका है। तो इसलिए इसको हल्का हल्का सा गर्म पानी में थोड़ा थोड़ा ना डिप करके और फिर शेप दे। तो ये हमारा बढ़िया सा पनीर दोस्तों बन गया है। अब इसको हमें बस थोड़ी देर ठंडा करना है और इसको सेट करना है ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो उसके लिए पहले यार कपड़े को बंद कर दें और फिर एक स्ट्रेट प्लेट ले, जो यार प्लेट बिल्कुल सीधी हो ना वो प्लेट ले, ताकि पनीर बिल्कुल सही बने। और मेरे पास यार ग्रेनाइट का एक ये स्लैब टाइप का रखा हुआ है, तो मैं इसी से दबा के पनीर को रख दूंगा। अब आपके पास प्लेट हो तो यार नीचे प्लेट रखें, उसके ऊपर फिर एक और प्लेट रख के उसके ऊपर यार कोई वजन रख दे, ताकि जो पनीर है उसका पानी निकल जाए। मैं फिर से ऊपर एक ग्रेनाइट का स्लैब रख दे रहा हूँ, क्योंकि ग्रेनाइट के स्लैब में भी यार अच्छा खासा वजन है। तो वो स्लैब रखें
और फिर उसके ऊपर आप चाहे तो कोई भी वजन रखें ताकि जो पानी है वो बस निकल जाए। अब इसको हम लोग 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी भी निकल जाए और पनीर हमारा यहाँ सेट हो जाए। तो इस टाइप से वेट रख के बस इसको भूल जाए। तो यार ये हमारा 3 से 4 घंटे के बाद पनीर बिल्कुल सेट हो गया है। तो ये देखिए, ये हमारा कम से कम 400 ग्राम इसमें से पनीर निकला है। तो यार 2 लीटर दूध था तो 400 ग्राम पनीर हमने निकाल लिया है। तो मैं आपको ये पनीर दिखा देता हूं, कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब इसको बस हमें काट के यार इस टाइप से आप पूरा का पूरा आप स्टोर कर ले। मैं काट के बस आपको दिखा दे रहा हूं कि बीच में से पनीर हमारा लग कैसा रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों यार पनीर आप भी अपने घर पर बनाए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया पनीर बनता है। इससे मैंने ग्रेवी भी बना के देखी है, बहुत ही बढ़िया लगती है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर दे ही दूंगा। वो पनीर मखनी की ग्रेवी ना बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप भी इस टाइप से फ्रेश पनीर घर पर बनाएं और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हलवाई जैसा पनीर बनाने का ट्रिक कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज हमेशा आपके लिए लाता ही रहूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।